नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। चुनाव से पहले कर्नाटक में भी बदलेगा सीएम, कांग्रेस के दावे पर भाजपा ने तोड़ी चुप्पी। चारमीनार के 444 वर्ष पूरे होने पर चारमीनार में आयोजित की गई फोटो प्रदर्शनी। 15 अगस्त को जन्म लेने वाले बच्चों के लिए तेलंगाना में मुफ्त बस यात्रा, अन्य यात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बनाया गया उप मुख्यमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 21 अगस्त से, राहुल गांधी के लड़ने पर अभी संशय। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को पड़ा दिल का दौरा, दिल्ली के एम्स में करवाया गया भर्ती। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच कैबिनेट मंत्री आर अशोक सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अनावश्यक रूप से इस मुद्दे को उठा रही है। आर अशोक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अगला चुनाव बोम्मई के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने कांग्रेस को 2023 विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का नाम घोषित करने की चुनौती दी। दरअसल कांग्रेस ने मंगलवार को बोम्मई को कठपुतली मुख्यमंत्री करार दिया था। कर्नाटक सरकार में मंत्री आर अशोक ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह सबके सामने आ चुकी है और इसी कलह को छिपाने के लिए कांग्रेस यह झूठी खबर फैला रही है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस का कोई आधार नहीं है, भाजपा के नेतृत्व और सीएम परिवर्तन के बारे में बोलने का उन्हें क्या अधिकार है। उन्होंने कहा, कांग्रेस अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नियुक्त नहीं कर पाई है और मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रही है। हिजरी कैलेंडर के अनुसार चारमीनार के 444 वर्ष पूरे होने पर द डेक्कन आर्काइव ने इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के सहयोग से ऐतिहासिक स्मारक चारमीनार के परिसर में एक सप्ताह तक चलने वाली फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया है। प्रदर्शनी में सदस्य सदियों पुराने स्मारक को दर्शाने वाली चारमीनार की कई दुर्लभ तस्वीरें, नक्शे और रेखाचित्र शामिल थे। प्रदर्शनी चारमीनार के प्रांगण में चल रही है और जो 7 अगस्त तक सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी। हिजरी कैलेंडर के अनुसार पहली मुहर्रम 1000 को चारमीनार का उद्घाटन हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष पहली मुहर्रम को 444 ऐतिहासिक स्मारकों का निर्माण पूरा किया गया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें चारमीनार की दुर्लभ तस्वीरें रखी गई। देश की 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के मौके पर तेलंगाना APSRTC ने कई खास ऑफर्स की घोषणा की है। तेलंगाना RTC में 12 दिनों तक अनोखे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत 15 अगस्त से 12 वर्ष तक के सभी बच्चों को राज्य की सभी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह 75 वर्ष पूरे करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को इस महीने की 15 तारीख को RTC बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान की जाएगी। 15 अगस्त को सामान्य दिनों में 120 रुपए में बिकने वाली T24 बस का टिकट 75 रुपए में ही बिकेगा। इसके अलावा 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 15 से 22 अगस्त तक तारका RTC अस्पताल में निशुल्क चिकित्सा जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बार फिर से कोरोना हो गया है। प्रियंका गांधी ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए यह लिखा कि आज कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया है, घर में आइसोलेट रहूंगी और सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करती रहूंगी। दरअसल प्रियंका गांधी को जून में भी कोरोना हो गया था। उस दौरान प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। प्रियंका गांधी ने तब ट्वीट कर लिखा था कि जांच में कोविड-19 से संक्रमित होने का पता चला है, संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने खुद को अपने घर पर ही पृथकवास में कर लिया है। मैं उन सभी लोगों से जरूरी सावधानियां बरतने का आग्रह करती हूं जो मेरे संपर्क में आए हैं। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन में एक बार फिर लौट आए। उन्हें 7 दलों के महागठबंधन का नेता बनाया गया है। आज बुधवार दोपहर 2 बजे राजभवन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान तेजस्वी यादव ने मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इससे पहले भी महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और
तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री थे। फिर साल 2017 में उन्होंने महागठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। तेजस्वी यादव ने शपथ लेने के बाद जैसे ही नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, वहां राजभवन में मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि मैं 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाह रहा था, लेकिन मेरे ऊपर दबाव डाला गया। अब आप देख लीजिए क्या नतीजा रहा। साथ ही उन्होंने कहा, मैं पीएम पद के लिए इच्छुक नहीं हूं। सवाल यह है कि जो व्यक्ति साल 2014 में आया है, क्या वो 2024 में जीतेगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए 21 अगस्त से चुनाव शुरू होंगे। राहुल गांधी इस पद के लिए चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। पार्टी नेताओं ने कई बार उनसे अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि अभी तक राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने के अनुरोध को ना नहीं कहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और चाहते थे कि एक गैर गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाए। गैर गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। अधिकांश नेता इस पर अड़े हुए हैं कि गांधी परिवार का सदस्य ही पार्टी का नेतृत्व करे। राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक होने वाली यह यात्रा 7 सितंबर 2022 से शुरू होने वाली है। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से होकर गुजरने वाली 3500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यात्रा करीब 150 दिनों में पूरी की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद पूर्ण सत्र में CWC और अन्य पदों के लिए चुनाव होंगे। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बिदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8483221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहु उपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल इस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, देखते हैं आगे के समाचार।
नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। इस समारोह के आधिकारिक आयोजन के लिए राष्ट्रपति भवन के मानदंडों के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह के कवरेज के लिए डीडी न्यूज और आधिकारिक फोटो एजेंसियों सहित सीमित मीडिया को अनुमति होगी। निवर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कल 10 अगस्त को उपराष्ट्रपति कार्यालय छोड़ देंगे। उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे जगदीप धनखड़ ने रविवार को निवर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की थी। धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश का उपराष्ट्रपति निवास में वेंकैया नायडू और उनकी पत्नी उषा नायडू ने स्वागत किया। उपराष्ट्रपति सचिवालय और धनखड़ ने ट्विटर पर इस मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की। कोरोना काल के 2 साल बाद संभल के असमोली थाना क्षेत्र विलालपट शरीफ में मुहर्रम का जुलूस अकीदत के साथ निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में भीड़ जुटी रही। मंगलवार को विलालपट शरीफ में जुलूस निकाला गया। विलालपट शरीफ में चौक वाली मस्जिद से अशरा मुहर्रम का जुलूस प्रारंभ हुआ, जो कि विलालपट के विभिन्न 8 गांवों से आने वाले ताजियों के साथ करबला में सम्पन्न हुआ। इसमें काफी संख्या में महिला और पुरुष शामिल रहे। जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। अमन शांति के साथ जुलूस के साथ करबला में ताजियों को दफनाया गया। पुलिस के जवान पूरी तरह तैनात रहे। इस्लाम धर्म की मान्यता के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ मुहर्रम माह के 10वें दिन करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। उनकी शहादत और कुर्बानी के तौर पर इस दिन को याद किया जाता है। कहा जाता है कि इराक में यजीद नाम का जालिम बादशाह था, जो इंसानियत का दुश्मन था। यजीद को अल्लाह पर विश्वास नहीं था। यजीद चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन भी उनके खेमे में शामिल हो जाए। हालांकि इमाम साहब को यह मंजूर न था। उन्होंने बादशाह यजीद के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बस जंग में वह अपने बेटे घर वालों और अन्य साथियों के साथ शहीद हो गए। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत मुहर्रम के 10वें दिन यानी आशुरा को हुई थी। करीब 1400 साल पहले इस्लाम की रक्षा के लिए इज्जत इमाम हुसैन ने अपने परिवार और 72 साथियों के साथ शहादत दे दी थी। हजरत इमाम हुसैन और यजीद के सेना के बीच यह जंग इराक के शहर करबला में हुई थी। संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा। वह दिल्ली के एक होटल स्थित जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। इस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजू होटल में मिडडे वर्कआउट कर रहे थे। वह ट्रेडमिल पर थे और अचानक गिर पड़े। उन्हें माइल्ड अटैक आया है। वह 2 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रहेंगे और उनकी स्थिति को देखते हुए अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ने की खबर सुनकर उनके फैंस परेशान हो गए हैं और उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। राजू श्रीवास्तव ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और फिर वह गिर पड़े। उन्हें उनके ट्रेनर द्वारा अस्पताल लाया गया और उन्हें 2 बार CPR दिया गया। बॉलीवुड में महाभारत में भीष्म पितामह के दमदार किरदार और शक्तिमान से फैंस के बीच अपनी अलग पहचान बनाने वाले मुकेश खन्ना इन दिनों चर्चे में हैं। यह चर्चा उनके एक वीडियो की वजह से हो रही है, जिसकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस क्लिप में वह लड़कियों और सेक्स को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश खन्ना ने अपने यूट्यूब चैनल भीष्म इंटरनेशनल पर हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है। मुकेश खन्ना ने इस वीडियो के वायरल क्लिप को बॉलीवुड शिट पोस्ट से शेयर किया गया है। इसमें मुकेश खन्ना कहते हैं, कोई भी लड़की अगर लड़कों को कह रही है मुझे आपके साथ सेक्स करना है तो वो लड़की धंधा कर रही है, क्योंकि इस तरह के निर्लज्ज बातें कोई सभ्य समाज की लड़की नहीं करती। अगर वह करती है तो वह सभ्य समाज की नहीं है, उसका धंधा है ये, आप उसमें भागीदार मत बनिए। दक्षिण कोरिया में भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राजधानी सियोल के गगनम जिले में इतनी तेज बारिश हुई कि वहां की सड़कें नदियों की तरह दिखने लगी। हजारों वाहन इस भारी बारिश में डूब गए। सार्वजनिक परिवहन सेवा को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस घटना में अब तक 7 लोगों के मारे जाने की सूचना है, जबकि 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सोमवार देर रात तक शहर को साफ करने के लिए काम चलता रहा, जिसके बाद मंगलवार सुबह को थोड़ी सी यातायात का आवागमन देखा गया। हालांकि लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कों पर तेज धार बहती दिखी। कई सबवे के अंदर पानी को घुसते भी देखा जा रहा है। हालांकि मंगलवार को अधिकांश सबवे में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हो गया है, लेकिन 80 के करीब सड़कें और नदियों के किनारे दर्जनों पार्क को सुरक्षा के लिहाज से अभी तक बंद रखा गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चुनाव से पहले कर्नाटका में भी बदलेगा सीएम। कांग्रेस के दावे पर भाजपा ने तोड़ी चुप्पी।
चार मीनार के 444 वर्ष पूरे होने पर चार मीनार में आयोजित की गई फोटो प्रदर्शनी। 15 अगस्त को जन्म लेने वाले बच्चों के लिए तेलंगाना में मुफ्त बस यात्रा, अन्य यात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा। नीतीश कुमार ने आठवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की डी शपथ, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बनाया गया उप मुख्यमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 21 अगस्त से, राहुल गांधी के लड़ने पर अभी संशय। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को पड़ा दिल का दौरा, दिल्ली के एम्स में करवाया गया भर्ती।